साइड में गाड़ी को हमारी एक हाथ का हुआ, एक ही हाथ का हुआ बस। और क्या, तो फाइनली हमने कर दिया है होटल से चेकआउट और अब हम जा रहे हैं अपने, कहाँ जा रहे हैं? भीमताल। हम भीमताल जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, हम जा रहे हैं अभी। भैया बताएंगे इस लेक के बारे में, मैं बता दो। ये उत्तराखंड की और पूरे कुमाऊं की सबसे बड़ी लेक है, 5.5 किलोमीटर के एरिया में कवर्ड है। चलने के बाद हम वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे हमें कौन सा, इससे पहले हम नैनीताल जाने वाले थे, नैनीताल लेक, बट हमने वहाँ कैंसिल किया। चलो मेरा चश्मा भी नीचे उठा लो, चलो। फिर व्यू बहुत सुंदर है यहाँ का, बस आइसलैंड। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं प्रीनु और मैं हूं मैडी। तो आज हमारा डे 3 और हम जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं बताओ? अभी हम भीमताल जाने वाले हैं, तो वहाँ पर हम बोटिंग करनी है और कुछ फोटोग्राफ क्लिक करनी है थोड़ी सी, और वहाँ पे हमने सोचा है बहुत अच्छा एडवेंचर जो कि वो ब्लॉग में ही आगे दिखेगा, तो फिर बने रहो आगे दिखाते हैं कि क्या दिखने वाला है। तो फाइनली हमने कर दिया है होटल से चेकआउट और अब हम जा रहे हैं अपने, कहाँ जा रहे हैं? भीमताल। हम भीमताल जा रहे हैं, फिर बाहर ना धूप में पता है कि बहुत अच्छी। चलो चलो थोड़ा देख के संभल के, गाड़ी आ रही है, आ जाओ आ जाओ भाभी आओ। क्यूट है ना ये, मुझे तो कमेंट में कोई बता भी नहीं पाएगा, कुल 100 सब्सक्राइबर है बस, भैया बता देंगे ना। मैं बता, क्या हुआ? ये खराब है, इसको थोड़ा फ्रेंच दूसरा मिल जाएगा, गिर जाओगे या नाली में? बाइक के लिए नाली में गिराओगे वो कहाँ से गीला होगा भाई? बाइक के लिए चाहिए ना। हाँ बाइक के लिए, बाइक तो हम फाइनली आ चुके हैं भीमताल लेक और चश्मा टूट गया, गाड़ी हम साइड कर रहे हैं। ये लेक है और इसमें हम करने वाले हैं एक बलून का राइड जो कि बहुत एडवेंचरस है। ये चल रही है देखो जी, चल और मेरे को सूट नहीं करती, फिर भी लगा रहा हूँ मैं, ये बड़ी वाली है, कुछ नहीं पता है? तो फाइनली अब हम लाइफ जैकेट पहन रहे हैं LIC वालों की, देखना उनकी तो जैकेट बिल्कुल नई नहीं है, इनके इनके रंग पे मत जाना, ये धूप में इनका ये सनस्क्रीन नहीं लगा देना जैकेट। ये मतलब मैंने एक्सपीरियंस ज्यादा है, इनका रंग उतर गया, पुरानी जैकेट है। दो भैया फाइनली हम आ चुके हैं लेक में और हम निकल चुके हैं, कहाँ के लिए? हम जा रहे हैं एक्वेरियम क्लब में, एक्वेरियम कैफे क्या वो, सॉरी एक्वेरियम कैफे हमारे साथ जो लोग हैं वो बहुत पीछे हैं, हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहे। हमें भैया बताएंगे इस लेक के बारे में, मैं बता दूँ आपको। ये उत्तराखंड की और पूरे कुमाऊँ की सबसे बड़ी लेक है, 5.5 किलोमीटर के एरिया में कवर्ड है और 210 फीट गहरी है बीच में। आगे इसकी लेक के सेंटर में एक आईलैंड है जिसका एक्वेरियम प्लस कैफे बना है और हम वहीं जा रहे हैं ना। हाँ आपको वहाँ लेकर चलते हैं, और चलने के बाद हम वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे हमें कौन सा, इससे पहले हम नैनीताल जाने वाले थे नैनीताल लेक, बट हमने वहाँ कैंसिल किया क्योंकि हमें होटल में भी भैया ने यही बोला कि आप भीम लेक जाओ, वो ज़्यादा बिग है और साइज में बड़ा है, तो इसलिए हमने डिसीजन चेंज किया और हम यहाँ पे आए। कितने किलोमीटर का रास्ता है यार, कितना किलोमीटर पड़ता है इसका पूरा? अगर एक सर्कल घूमोगे तो समथिंग 5.5 किलोमीटर पड़ेगा। बना रही हूँ तो फाइन और देखो आगे आपको बस बकवास सुनने को मिलेगी। ले अरे हाथ ऊपर करवा रहा हूँ यार, डिसेंबर इतना स्पेस नहीं है मैडी। डैम है ये सामने वाला और ये अंग्रेजों के जमाने का डैम है, आज से लगभग 150 साल पुराना है।
और यहीं से इस लेक का जो है पानी सप्लाई हो रहा है लोगों के लिए भी और सिंचाई के लिए। और ये भी तो बहुत ही पुराना होगा ना, क्योंकि अभी है ना 100 साल से। ये है एक्वेरियम कैफे, यही है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं है, किस चीज से कर रहा है। हाँ ये भी है। डिविजन नहीं है, ये ओरिजिनल है। तो इसमें पानी का कुछ क्यों नहीं हो पा रहा, जैसे इतने पानी के बीच में है ये। ये पहले ऊंचा था, ऊंचे ढेर बना रहे हैं, जैसे पहाड़ टाइप का बच गया ना बीच में, पानी आगे चारों तरफ बच गया तो उसको ऊपर बना दिया। अरे कुछ खा लेंगे यार, यहाँ पे तो कैफे है। हाँ। कुछ खाया भी नहीं ना हमने तो। जल्दी निकाल लेते हैं ना, कुछ फोटो अच्छे आ जाएंगे। अभी मत। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं कैफे में, और कैफे पहले हम ऑर्डर दे देते हैं। जब तक हम इसको घूम के आएंगे, देख के आएंगे, तब तक कंप्लीट हो रखा होगा ऑर्डर, मतलब हमारा रेडी हो चुका होगा। बहुत खूबसूरत है ये। इसका नेम क्या है? एलिगेटर। एलिगेटर यार ये कितना सुंदर है, लॉग में तो छवा चलते हैं ना बाबू, सही ना? मैं भी इसमें देखो, मैं भी देख रहा हूँ इसका ऐसे करके, देख लिया भैया इधर तो देखो। मेरा चश्मा भी नीचे उठा लो, चलो फिर। व्यू बहुत सुंदर है यहाँ का, बस फालतू लोग हैं हमारे, हम कैसे समझा रहे हैं। और लोग के बारे में बोला जाए कि यहाँ हम आए हैं, और हाँ आलस तो आ रहा है, बोटिंग कर लेना, आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे कोई पैसे वर्थ नहीं होंगे। अरे नहीं, ये इंडिया का एक छोटा सा आईलैंड है, जो कि मतलब इतने कम से कम्प्लीट अगर 360 पे दिखाओ तो हर जगह पे पानी ही पानी है, और बीच में बेचारा छोटू सा ही है, छोटू सा जगह, जो कि बहुत यूनिक है। इतना महंगा मेन्यू है अगर। हाँ, और पिज्जा का फोटो मैं टैग कर दूंगी तो फिर पता चल जाएगा। ऐसे चिलन बेटी ब्लॉग ब्लॉग तो मजा आ रहा है भाई, आवाज ही नहीं आ रही भाई, तेज बोल। कितनी आएगी आवाज, वहां से पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी भाई, और पूरी पहुंचेगी, तेज बोल। मजा तो फुल आ रहा है ना? बढ़िया भाई, मजा आ गया बिल्कुल। तो भाई हम बैठ चुके हैं बोल में, अभी तो हम लेटे हैं, लेकिन हमें खड़ा होना है और फिर मजे लेंगे हम। ये भैया स्ट्रगल करते हुए, भैया 90 किलो के स्ट्रगल करते हुए, ज्यादा बाल के वजह से स्ट्रगल कर पा रहे हैं। हाँ बढ़िया लग रहा है इसमें तो, ऐसी में सो जाऊँ थोड़ी देर। भैया भैया रुक जाओ, क्या हो गया? छोड़ा नहीं है, अरे यार इतना मत डरो, मरेंगे तो मर जाएंगे, ठीक है जी। वैसे बैठना, लेट नहीं है
सोते इसकी हवा निकल जाए तो अरे यार मतलब सुबह से ही पनौती बातें करनी बहुत जरूरी है क्या या सोते इसकी हवा फट जाए तो सोते ये बोन पानी में गिर गया तो बीच में आओ यार उधर भैया ना आएंगे क्या अंदर आपको सबको वेट बैलेंस करके चलना है ना रन करने से रन और ऐसे ना हो क्योंकि इनको लगते है कि कोई गिर गया तो टूट जाएंगे बीच में टूट भी क्या लगा था लाल हो गया मैं टूट भी गई हूं तो ये मैं चल रही हूं फिर भी तो इसमें बहुत मजा आया ये बनाई थी बात इधर से नहीं लगा दो भाई चलो मैं दिखाता हूं ये नजदीक रही है मजा आया कि मतलब बेहतरीन फुल 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 टू एंजॉय हुआ बस ये लगा कि एक आगे हमने बहुत बहुत शानदार चीज की है फाइनली हमारी राइड कंप्लीट हो चुकी है ये बहुत खतरनाक राइड थी और सच्ची एडवेंचर मतलब अगर यहां हो ना तो ये जरूर करो कहा गया वो इसको क्या बोलते हैं पता नहीं कही बोला इसको जो भी बोलते हैं वो कर लो बहुत सही है बहुत मज़ा आया मतलब बहुत ज़्यादा ये तो बेस्ट है यहाँ पे आना मतलब पैसा वसूल जिसको कह सकते हैं ना वो है ये तो यहाँ आके अगर ये नहीं किया तो फिर क्या ही किया और व्यू भी बहुत प्यारा है यहाँ का चले 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 भाई चले मज़ा आ गया भीमताल से वहाँ मतलब लेक से निकल चुके थे अब हम यहाँ पे रुके थे चाय और मैगी के लिए और मुझे ये फ्लावर बहुत अच्छा लगा और भैया बहुत अच्छे उन्होंने मुझे एक दे दिया इसलिए बहुत थैंक यू तो अब हम यहाँ से लेके इसको लेके मैं गाज़ियाबाद जाऊँगी इसको पिघा पिघा क्योंकि मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है और बाहर पर जाके इन लोगों से मैं मैगी बनवाऊँगी दिखा दो भैया ने रोटी दे दी उसे गाड़ी वाले भैया ने कैसी रही ट्रिप अरे भैया मजा आ गया पूरा मजा आ गया हाँ सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट कौन सा था बेस्ट पार्ट था वो जो बलून के अंदर हम जो दौड़ रहे थे ना उल्टे ही से पड़ रहे थे वो उसमें क्या एडवेंचर आया ना तुझे नदी में तो वही शांति मिली शांति के लिए पूछता शांति बताते कहाँ मिली तो भाई ऐसे भी लोग और देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर दो शेयर कर दो कमेंट करो कहाँ जाना चाहिए वैसे अगली बार का जो प्लान है हमारा वो स्पीति का है अब लद्दाख के रास्ते खुलने वाले तो लद्दाख जाएंगे हम तो ऐसे भी लोग देखने हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी करना तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही अच्छा लगे तो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब तक के लिए बाय बाय इसी दिन मुझे बाय।